वन पीस चैप्टर 1073 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं, जो कि बहुत ही अमेजिंग चैप्टर होने वाला है। तो इस चैप्टर का नाम है मिस बकिंगम स्ट्रेसी, जिसे पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये चैप्टर स्ट्रेसी के बारे में होगा, बट इसमें स्ट्रेसी को छोड़ के भी बहुत सी ऑसम चीजें हैं, लाइक जोरो, गोरोसे और मार्को। देन इसके कवर में हम वेगापंक को देख सकते हैं, जो पीसफुल इन्वेंशन कर रहा है, जैसे कि फूल छोड़ने वाले टैंक्स, जिसे देखकर सीजर, जज और क्वीन बहुत ही डिस्गस्टिंग लुक देते हैं। और जैसा कि हमने लास्ट कवर में देखा था ना, इन तीनों को डेंजरस वेपन्स बनाना अच्छा लगता है, तो वेगापंक के पीसफुल वेपन्स को देख के उन्हें गुस्सा आएगा ही। अब लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि स्ट्रेसी CP0 को धोखा देती है और काकू को काट कर बेहोश कर देती है, और वहीं से ये चैप्टर स्टार्ट होता है, जहाँ लुची स्ट्रेसी पर अटैक कर देता है, बट क्योंकि वो सिर्फ स्ट्रेसी का एक इल्यूजन होता है, तो लुची का अटैक मिस हो जाता है। अब ये इल्यूजन स्ट्रेसी की कोई डेलफ्रूट एबिलिटी नहीं होती है, बल्कि एक रोकुशी की टेक्निक पेपर आर्ट होती है, जिसे हमने वाटर 7 और एनेस लॉबी में देखा है। अब पेपर आर्ट से बेसिकली यूजर की बॉडी सुपर फ्लेक्सिबल हो जाती है, जिससे यूजर किसी भी अटैक से बच सकता है और अपनी बॉडी को पेपर जैसे फ्लोट और बेंड कर सकता है। तो स्ट्रेसी भी इसी टेक्निक का एक वेरिएशन रिमेनिंग बॉडी यूज करके अपने इल्यूजंस बनाती है। इसका एक और वेरिएशन हमने लुफी वर्सेस लुची फाइट में भी देखा है, जब लुची अपने ह्यूमन बेस्ड फॉर्म को लाइटर बनाने के लिए लाइफ रिटर्न पेपर आर्ट को यूज करता है। अब स्ट्रेसी पहले तो अपने इल्यूजन से लुची को डिस्ट्रैक्ट करती है, और जब वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है ना, तो उस पर अपने लिपस्टिक से अटैक कर देती है। अब क्योंकि उस लिपस्टिक के अंदर सीस्टोन होता है, उसके टच से ही लुची वीक हो जाता है। जैसे स्मोकर अपने वेपन से डेल फ्रूट यूजर्स को वीक करता है ना, वैसे स्ट्रेसी अपने लिपस्टिक को यूज करती है। फिर लुची के वीक होते ही स्ट्रेसी उसे भी काकू की तरह ही काट कर सुला देती है। फिर हमें पता चलता है कि जिसके साथ वेगापंक ने बात की थी ना, वो मिस्टीरियस पर्सन स्ट्रेसी थी। और हमें ये भी पता चलता है कि वेगापंक का इंटेंशन कभी भी स्ट्रेसी को CP0 बनाना नहीं था। और हमें कवर से पता चली जाता है कि वेगापंक को वेपन्स पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसने बस क्यूरियोसिटी की वजह से स्ट्रेसी को बनाया होगा। अब लुची और काकू को सुलाने के बाद स्ट्रेसी सेराफिम्स को रोकने का ऑर्डर देती है, बट लुची और स्ट्रेसी की अथॉरिटी सेम होने की वजह से स्ट्रेसी लुची के ऑर्डर को रोक नहीं सकती है। फिर लिलित और एडिसन सेराफिम को रोकने के लिए लैबो से बाहर आते हैं, बट लिलित के सेराफिम को ऑर्डर देने से पहले एसोक लिलित पर अटैक कर देता है, बट लकीली जोरो बीच में आके उस अटैक को रोक देता है। फिर हमें जोरो और एसोक की फाइट देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही अमेजिंग होगी, जिसमें कोई न्यू अटैक्स तो नहीं होने वाले हैं, बट एक बड़ा क्लैश जरूर होगा। अब जोरो की स्ट्रेंथ देखकर एसोक भी शॉक हो जाता है, जिससे हम एक चीज समझ सकते हैं कि अगर जोरो एसोक को इजीली हरा देगा ना, तो एसोक और मिहोक की स्ट्रेंथ में बहुत ज्यादा फर्क होने वाला है। फिर एडिसन भी सेराफिम को रोकने के लिए जाता है, लेकिन एस शार्क उस पर अटैक करता है, बट सांजी उसे बचा लेता है, जिससे एडिसन फाइनल सेराफिम्स को रोकने का ऑर्डर देता है और सेराफिम्स रुक भी जाते हैं। फिर हम लूफी और चॉपर को देख सकते हैं, जो लैबो में रियल वेगापंक और बोनी को ढूंढ रहे हैं, और हम इस चैप्टर में ना ही वेगापंक को देख सकते हैं और ना ही बोनी को। फिर सीन कट होकर स्पिंक्स आइलैंड का दिखाते हैं, जहां ये रिवील होता है कि मार्को वानो आया था ना, तब स्पिंक्स आइलैंड पर मरीज आए थे, बट विविल वहां आकर विलेज को बचा लेता है, पर बाद में ग्रीन बुल विविल को पकड़ लेता है। अब प्रेजेंट में हम मार्को को मिस बकिंग के साथ देख सकते हैं, और वो मार्को से विविल को बचाने के लिए तो कहती ही है, और साथ में उसे व्हाइट बेल्ट के इनहेरिटेंस को भी देने के लिए कहती है, जिस पर मार्को कहते हैं कि विलेज को बचाने के लिए थैंक्स, बट और मिस बकिंग उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहती है कि अगर तुम्हें मेरे बेटे की लीनेज पर डाउट है ना, तो तुम सीधे वेगापंक से पूछ सकते हो, जिससे मुझे ऐसा लगता है कि कहीं विविल भी कोई क्लोन तो नहीं है ना, या फिर कोई टेस्ट ट्यूब बेबी या फिर सेराफिम जैसा ही कुछ। फिर हम किजारू के शिप का सीन देख सकते हैं, जो अभी भी समंदर के बीच में ही है। किजारू शिप पर किसी बूढ़े आदमी के लिए कुछ ड्रिंक्स और स्नैक्स लाता है। अब किजारू ने यह खाना लाने से पहले कुछ मरीज ने इसे टेस्ट भी किया था कि कहीं उसमें जहर तो नहीं है ना। फिर किजारू उस बूढ़े आदमी से बात करता है। किजारू उससे पूछता है कि आप कभी वेगापंक से मिले हैं, तो वो ओल्ड मैन कहता है हाँ सिर्फ एक बार। और फिर हमें पता चलता है कि वो ओल्ड मैन गोरोसे में से एक है। ये वो गोरोसे है जिसके फेस के लेफ्ट साइड पर स्कार है, और हमें यहाँ पर उसका नाम भी पता चलता है। उसका नाम सेंट जागर्शिया सैटन है। फिर सैटन कहते हैं कि मुझे रिग्रेट हो रहा है कि बात यहाँ तक पहुँच गई है। मुझे ऐसा लगता है कि सैटन या तो सेराफिम की वजह से एगेड आइलैंड पे जा रहा होगा, क्योंकि उसकी अथॉरिटी सबसे हायर है, इवन वेगापंक से भी। या फिर सेकंड रीजन ये हो सकता है ना कि वो वेगापंक से आखिरी बार मिलने के लिए जा रहा होगा, या उसे समझा दे। और हाँ, नेक्स्ट वीक ब्रेक है।